तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है गाइस। और ये जो वीडियो है ये मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था, तो गाइस उसके लिए मैं उस व्यक्ति से माफी मांगता हूँ और आप सबसे भी ये चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या हुआ था, काफी टाइम पहले एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उन्हें परफेक्ट बेलियल के बैटल्स देखने थे, तो तभी मैंने मजाक में ऐसे ही कह दिया था कि अगर तुम्हारे कमेंट पे 10 लाइक्स भी आते हैं तो मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा। और उनके कमेंट पे एक्चुअली 10 से ऊपर लाइक्स आए थे और मैंने वो वीडियो नहीं बनाया गाइस तभी। तो गाइस ये चीज काफी गलत थी मेरे साइड से, तो इसके लिए आज मैं वो वीडियो बनाऊंगा। भले ही एक बंदा वो वीडियो देखे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मैंने अगर कुछ बात कही है तो मुझे वो जरूर करनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे है हमारे पास डायनामाइट बेलियल। मैंने डायनामाइट बेलियल को चुना क्योंकि डायनामाइट बेलियल हमारे जो पहले वाले बेलियल है उसका अपग्रेड है, तो ये बेटर परफॉर्म करेंगे और इसी के लिए डायनामाइट बेलियल। मेरे पास डिवाइन बेलियल भी है गाइज, पर डिवाइन बेलियल अभी इनके जो गियर्स है डायनामाइट और डेंजरस के वो डिवाइन पे नहीं लगते, डिवाइन के गियर्स अलग होते हैं। तो गाइज आज चलिए इस बैटल को शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अगर कुछ बात कही है तो वो जरूर कर दिखानी चाहिए, वरना उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ मेरे से ये चीज में थोड़ी सी गलती हो गई, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं वो चीज को जरूर चेंज कर रहा हूँ अभी। तो गाइज फर्स्ट बैटल है डिवाइन बेलियल वर्सेस डेंजरस बेलियल विद ऑल गियर्स, दैट इज परफेक्ट बेलियल। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। भाई बर्स्ट में भी बहुत ताकत है आजकल गाइस। तो गाइस यहाँ पे परफेक्ट बेलियल जो है वो जीत जाता है। हमें ऑब्वियसली इसको अनवाइंड करना होगा क्योंकि इनका जो चिप है मेन वाला उसमें बर्स्ट लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसी के लिए इनमें मतलब वो एक क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज टाइप चीज है जो उन्हें बर्स्ट होने से बचाती है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास है सेबर वैल्करी। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। वाओ, ओके, व्हाट द हेल, बहुत ही गंदा बर्स था गाइज। यहाँ पे सब चीजों के चिथड़े उड़ चुके हैं, यहाँ पे सेबर वैल्करी भी टुकड़ों में बट चुका है और यहाँ पे परफेक्ट बेलियल भी टुकड़ों में बट चुका है। भाई खतरनाक था ये, तो डर गया मैं, तो भाई सच्ची में डर गया मैं, मतलब एक सेकेंड के लिए मेरी रूह कांप गई कि क्या हो गया ये। तो गाइज नेक्स्ट बैटल करते हैं, हमारे पास है अकीलीज, तो देखते हैं गाइज अकीलीज कैसे परफॉर्म करता है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। भाई लॉन्चर यहाँ फंस गया। ओहो परफेक्ट बेलियल फिर भी जीत गए। तो गाइस परफेक्ट बेलियल डेंजरस वाले हैं, काफी अच्छे हैं ऐसे मुझे लग रहा है, मतलब शायद से, क्या मालूम। तो गाइस नेक्स्ट है अल्टीमेट वैल्करी। तो गाइस अल्टीमेट वैल्करी तो काफी छाए हुए हैं आजकल न्यूज में, क्योंकि उन्होंने हमारे इसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, डियाब्लो नेमेसिस को KO किया था। तो गाइस वो बहुत बड़ी बात है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। बेलियल में स्टैमिना काफी अच्छा है, मानना पड़ेगा गाइस। अल्टीमेट वैल्करी के साथ एक और राउंड करेंगे हम, क्योंकि अल्टीमेट वैल्करी है वो ऑब्वियसली। मुझे अगर बर्स्ट में अभी के टाइम पे कोई बेबलेट पसंद आता है DB के टाइम पे, तो गाइस वो अल्टीमेट वैल्करी है, क्योंकि मस्त बेबलेट है यार ओवरऑल, मतलब एक छा गया है वो बेबलेट स्टॉक कॉम्बो में ही ये बेबलेट। अरे यार यार कोई भाई पैदा कर लेता हूँ, मतलब मैं तो नहीं पैदा कर सकता ये बेबलेड को ड्यूअल बैटल करने के लिए यार। मतलब वो लॉन्चर लिया था मैंने जो ड्यूअल सपोर्ट वाला लॉन्चर रहता है, वो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो
तो गाइस वैलकरी हार रहा है बहुत बुरी तरीके से, एक और लास्ट बैटल करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्लिक का जो सिस्टम है ना, इनमें बर्स्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं, बट हाँ होते हैं। अरे भाई साहब, तो गाइस नॉकआउट हो गया गाइस बेलियल यहाँ पे, और बहुत ज्यादा ही रॉ पावर है बेलियल में जो कि अनटेम्ड है। इतना बड़े स्टेडियम में अगर बेलियल नॉकआउट हो रहा है तो मतलब कुछ ताजुब की बात है। तो गाइज अब हमारे पास है सादा नॉर्मल बेलियल, ये स्टेडियम बट अच्छा है ओवरऑल, मुझे बेटर लग रहा है ये स्टेडियम बैटल के लिए। इसको अगर ये क्या हो गया है, एक सेकेंड, इसको अगर मुझे नॉर्मल मोड में डालना है तो मुझे क्या करना होगा। ओके यहाँ पे ये एक चिप है, ओ हाँ हाँ इसमें गाइज एक चिप होती है, हमारा ऑलमाइट ड्राइवर है वो भी पूरा फ्लैट मोड में जा सकता है ना। भाई हमारा फर्स्ट बेलियल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब ओवरऑल अगर आप मेक के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट बेलियल काफी कॉम्पैक्ट है, सेकंड वाला जो है वो बहुत ही बदसूरत हो गया। मतलब एक्चुअली मैं मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही गंदा, बट एक एक तरीके से थोड़ा सा बदसूरत हो गया वो दूसरा वाला जो डेंजरस बेलियल आया है ये। अब गाइज अरे मैंने अल्टीमेट वैल्करी को वापस लगा लिया था, आई एम फैन ऑफ अल्टीमेट वैल्करी, बहुत पसंद है मुझे। तो गाइज नेक्स्ट बेब्लेड है रैग्नारॉक, आई एम नॉट श्योर यार इतने बड़े स्टेडियम में भी ये बेब्लेड मतलब टिक नहीं पा रहा है। इसका एक्चुअली ऑल माई ड्राइवर जो है ना वो एक्टिवेट हो रहा है, मतलब अगर वो एक्टिवेट होता है तो ऑब्वियसली वो बेब्लेड इतना आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा कि वो नहीं सहन कर पाएगा, मतलब कोई भी स्टेडियम हो। फिर तो हमें भाई वो एनीमे वाला स्टेडियम चाहिए उसके बाद तो। एक और बार अल्टीमेट वैल्करी अच्छा बेब्लेड है, मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर अल्टीमेट वैल्करी नहीं तो अभी करंट जनरेशन के पहले वाले में मेरा अगर कोई फेवरेट बेब्लेड था गाइस तो ये है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये है गाइस प्रिगन, नेकेड प्रिगन था, बेसिकली एनीमे रिलीज नहीं है बट यार गजब बेब्लेड था, मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक टैंक है वो बेब्लेड, अभी आपको दिखाता हूँ इस बैटल में। इसका वेट जो है वो बहुत कम है ओके परफेक्ट बेलियल से, बट फिर भी आप देखोगे अभी बैटल में वो हर एक हिट को आराम से टैंक कर लेगा। लॉन्च ही नहीं हुआ, काफी अच्छा वेवलेट है नेकेड स्प्रिगन, माने छोड़ो कोई बात नहीं गाइज। नेक्स्ट हम लॉन्गिनिस को लेके आते हैं, लॉन्गिनिस भी अच्छा फेवरेट है यार ओवरऑल, मतलब इनमें एक एक अच्छा, अब कैसे समझाऊं मैं आपको, जो लोग को मेटल फाइट पसंद है वो लोग को पसंद है मतलब ठीक है, बट बर्स्ट में एक अलग सा डिजाइन है गाइज। यार यहाँ पे जीत गया गाइज स्पिन फिनिश में, बर्स्ट में वो एक अलग ही उन्होंने एक जो मतलब क्या बोलते हैं इसको हम, दिखने में जो एक बनाया है ना बर्स्ट काफी अच्छा एलिगेंट सा दिखता है। एंड बिल्ड क्वालिटी तो गाइज ऑब्वियसली गाइज टॉप टायर है। अभी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बस व्यूअर्स चाहिए यार, बेसिक नॉलेज है मैं, मुझे व्यूअर्स और ये सब से ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, बट
कंटेंट टाइम पे नहीं पड़ता। तो गाइस टाई हो गया यहाँ पे, काफी अच्छा था। हमारे पास और एक आध दो बैटल्स बचे हैं, तो गाइस हम ड्रिगर को यूज करके देखते हैं ड्रिगर के साथ क्या होता है। ड्रिगर काफी, मतलब हमारा जो रीमेक है, रीमेक सिस्टम, उसमें गाइस ड्रिगर इज वन ऑफ द भाई लॉन्च इन बस्ट के मुझे मुझे अरे यार इतना कैमरा क्यों हिल रहा है। बस से मुझे एक ही शिकायत है कि वाओ इनके लॉन्चर्स नहीं अच्छे होते, मतलब कभी तो कभी इनके लॉन्चर्स इतने बुरी तरीके से हक देते हैं भाई। ये स्टेडियम भी हुआ है, वाओ व्हाट हिट वाज दैट। गाइज यार बर्स्ट फिनिश तो देखने मिल गया गाइज आपको, और ये मेरा लॉन्चर डैम्पनर वैम्पनर बहुत कुछ जाके रखा। जीत गया गाइज एलईडी, इसको बोलते हैं एलईडी बिकॉज ऑफ वी गियर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।